बनासकांठा पालनपुर में सामान्य वरसादे तंत्रनी पोल खोली नाखी। नहिवत जेवा वरसाद छता रोड पर मोटा खाड़ा पड़ी जता वाहन चालको जाने के डिस्कोथेक पर थी पसार थता होय तेवो अनुभव करी रह्या छे। अनेक वक्त अकस्मातो पर भय सतावी रह्यो छे। पालनपुर शहर में दिल्ली गेट थी धनियाना चौकड़ी, गठामण गेट थी डेरी रोड, मीरा गेट थी गणेशपुरा, विद्यामंदिर थी पॉलिटेक्निक अने पॉलिटेक्निक थी जनता नगर सहित अनेक रोड पर मोटा खाड़ा पड़ी जता वाहन चालको ने स्थानिको में भारी रोष छे। दर वर्षे चौमासा में लोगों अवर जवर एकमात्र साधन समा आवा रस्ताओं की हालत दयनीय बनी गई। वाहन चालको अनेक प्रयास करवा छता अकस्मात थतो अटकावी शकातो नथी। नगरपालिकामांथी रोड रस्ता बनावा ने समारकाम माटे करोड़ो रूपियानी ग्रांट आवे छे ने दर वर्षे समारकाम करवा छता पण चौमासामां आवी हालत थई जाय छे। हल्की गुणवत्तानी कामगीरी ने सामग्रीमां नगरपालिकानी मिलीभगतनो स्थानिको आरोप मूकी रह्या छे। हालत एटली खराब थी जाए कि रिक्शा वाला नाना साधनों तो पानी पर अमुक वार खाड़ा देखाता नहीं कि खाड़ा में लोग पड़ जाए, साधनों पर नुकसान थाय पेशंट बापड़ा बीमार हो कि आती जाती वक्त बापड़ा ने गाड़ी में रिक्शा में बैठा हो या मोटी फोर व्हीलर में बैठा हो बीमार होने एना बीमार थी जाए। जुआ जाए तो जो प्रसूति वक्त जो ऑपरेशन कर महिला अमे रिक्शा में बेसाड़ी छे तो भाई कि अमने तमे साचवी तमे रिक्शा चला अमे साचवी के रिक्शा चलाई बेन अमरा किए अमरी गाड़ी अंदर तो अमे कम्प्लीट है अमे चलाई कम्प्लीट पर एटला बढ़ा खाड़ा है एटला बढ़ा खाड़ा है कि खाड़ी अमार गाड़ी भी वर्ष में पांच पांच छ छ दस दस वक्त सर्विस कराई पड़े है। एक आम व्यक्ति एक आम रिक्शावाड़ो एटलू कमानू पण नथी अने आ रीते सर्विस के रीते करावशे। पालनपुर शहर रस्ताओ जो तो रस्ताओ खूब तूटेला है, सामान्य वरसाद में भी रस्ताओ तूटी जाए। बीजू के साइड में गटर लाइन अभाव कारण गटर पानी रस्ता पर फरी वड़े है जेना पहले प्राथमिक उपयोग पहले गटर लाइन सारी हो गटर लाइन कारण पानी रस्ता जो निकली जाए वरसाद तो वरसाद रस्ता वरसाद कारण रस्ता तूटता बंद थी जाए जेथी करी आना रोड सुधारवा सरकार तजवीज करवी जो। पालनपुर शहर की अंदर सामान्य वरसाद में अनेक रस्ताओ है तो रस्ताओ पर मसमोटा खाड़ा पड़ा है जेने लईने जे वाहन चालको है खूब ज मुसीबत भोगवी रहा है। महत्वनी बात ये कि शहर घना बदा एवं रस्ता है कि रस्ताओ ना जे रोड छे ते रोड ऊपर मोटा खाड़ा पड़ा है। आप जोई रहा छो कि आज टेक्निकल हाईस्कूल जवानो रोड छे ने आ रोड ऊपर सरकारी बसों सिवाय अनेक जे वाहनों छे ते वाहनों चालता होय छे अने आ जे रोड छे ते खूब धमधमतो होय छे परंतु पालनपुर में जे सामान्य वरसाद पड़ो छे जेने लईने आप जोई रहा छो कि मसमोटा छे ते खाड़ा पड़ी जाय छे जेना कारणे जे वाहन चालको छे ते एमने अकस्मातनी भीति छे। अनेक जे रिक्शा चालको छे ते अनेक वार फरियाद करी चुक्या छे कि आ रोड नु समारकाम करवामां आवे परंतु नगरपालिका कोई पण सांभळती नथी जेना कारणे जे वाहन चालको छे तेने मजबूरी वश थईने आ रोड उपरथी पसार थवुं पड़े छे। महत्वनी वात ए छे कि नगरपालिका मां रोड बनावा माटे करोड़ो रूपियानी ग्रांट आवे छे ने अनेक वार छे ते आ रोड छे ते रोड नु रिपेरिंग काम पण थाय छे परंतु क्या ने क्या एटली हल्की कक्षा काम थाय छे कि जेना कारणे दरेक वरसाद में आ रोड छे ते रोड धोवाई जाय छे ने रोड नी अंदर मोटा खाड़ा पड़ी जाए छे जेना कारणे जे लोको होय छे जे वाहन चालको होय छे तेमने खूब ज अगवड़ता भोगवी पड़े छे। अनेक वार नगरपालिकाना नगरोड कान समक्ष वाहन चालको तेमज लोकोए फरियाद करी छे परंतु नगरपालिका तेमनु सांभळती नथी जेना कारणे जे वाहन चालको तेमज लोको छे तेमने मजबूरी वश थईने आवा जे खराब रोड छे खाड़ावाळा रोड छे तेमोथी पसार थवुं पड़े छे। અલ્કેશ રાવ જી મીડિયા બનાસકાંઠા। છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ગીર સોમનાથ ઉનામાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવેની બિસ્માર સ્થિતિથી શહેરીજનો પરેશાન છે। રોડ એ હદે બિસ્માર થયો કે વાહનો તો એક બાજુ ચાલીને નીકળવું પણ દુષ્કર બની ગયું। ઉના તાલુકો વિકાસથી જાણે જોજનો દૂર છે। 2017માં ભૂગર્ભ ગટરના કામમાં ભાવનગર સોમનાથ હાઈવે જે શહેરમાંથી પસાર થાય છે તેને ખોદવામાં આવ્યા બાદથી આજ સુધી રોડનું નવીનીકરણ હાથ નથી ધરાયું। શહેરના મુખ્ય હાઈવે પર હોસ્પિટલ કોર્ટ સ્કૂલો બગીચાઓ સહિતના સંકુલ આવે છે જ્યાં જવામાં પારાવાર મુસીબતનો સામનો લોકોએ કરવો પડે છે। 2019માં ઉનાના ધારાસભ્યએ ખુદ રોડ પર બેસી આંદોલન કર્યું હતું। તાજેતરમાં યુવાનોએ રોડ વચ્ચે વૃક્ષો વાવીને નવતર વિરોધ કર્યો હતો તેમ છતાં રોડની કોઈ દરકાર ન લેવાતા શહેરીજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। પાછલા ત્રણ વર્ષથી ઉનાના મુખ્ય હાઈવેની હાલત એ હદે બિસ્માર છે કે લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો છે તે કરવો પડી રહ્યો છે ત્યારે આજે શહેરના યુવાનો દ્વારા છે આપ જોઈ શકો છો કે એક બેનરો લઈ અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું રોડ પર છે એ વૃક્ષો વાવીને એક અનોખો વિરોધ પણ કરવામાં આવ્યો હતો જોવા જ
લોકોને ભારે હાડમારીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, પરંતુ સરકારી તંત્ર કહો કે નેશનલ હાઈવે કહો, થાબર ભીના કરી અને રોડનું કામ છે તે કરી રહી છે. એના કારણે છે આમ નાગરિકથી લઈ ડોક્ટરો માટે જતા દર્દીઓથી લઈને તમામે તમામ લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખુદ ધારાસભ્યના કહેવા છતાં પણ આ રોડ છે તે બનતો નથી. ત્યારે સવાલ એ છે કે નેશનલ હાઈવે છે તે નિંભર તંત્ર ક્યારે જાગશે? રજની કોટેચા, G24 કલાક, ઉના.